हेलो दोस्तों, आज है 3 अप्रैल। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा बनती है हम उसको कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूजर्स ऑफ पर्सनल डाटा लीक के मामले में किस डिजिटल पेमेंट फॉर्म पर जांच के आदेश दिए हैं? इसका जो राइट आंसर, आंसर नंबर सी, मोबीक्विक। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 11 करोड़ यूजर्स का पर्सनल डाटा लीक होने के मामले में मोबीक्विक डिजिटल पेमेंट फॉर्म पर जांच के आदेश दिए हैं। अगर जांच में मोबीक्विक दोषी पाया जाता है तो आरबीआई किसी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर पर कम से कम 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका जो राइट आंसर, आंसर नंबर सी, राजस्थान। देखिए, राजस्थान राज्य हाल ही में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यहाँ हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य सरकार पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है? इसका जो राइट आंसर है वह है बिहार सरकार, आंसर नंबर डी। देखिए, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी की पीठ की वाली सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बिहार सरकार पर एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। देखिए अगला क्वेश्चन, नेपाल में तराई क्षेत्र में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस देश की सरकार ने 800 करोड़ नेपाली रुपये की सहायता देने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है वह भारत सरकार, आंसर नंबर डी। देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में नेपाल में तराई क्षेत्र में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नेपाल के सरकार को 800 करोड़ नेपाली रुपए की सहायता देने की घोषणा की है, जिसके लिए समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2020-21 में रोजाना कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण करने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर सी, 37 किलोमीटर। देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में रोजाना 37 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण करने का रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,287 किलोमीटर अप्रैल 2014 के अनुसार से 1,37,625 किलोमीटर ये 20 मार्च 2021 तक 50% बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन, IAS श्री मुखमित एस भाटिया ने हाल ही में किस मंत्रालय के तहत आने वाले ESIC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? इसका जो राइट आंसर, आंसर नंबर डी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। देखिए, वर्ष 1990 के बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी रहे श्री मुखमित एस भाटिया ने हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। उन्होंने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने NCTE वेब पोर्टल पर MyNEP 2020 मंच की शुरुआत की है? इसका जो राइट आंसर, आंसर नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में NCTE वेब पोर्टल पर MyNEP 2020 मंच की शुरुआत की है। यह मंच का संचालन 1 अप्रैल से 15 मई 2021 तक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए विश्व की पहली COVID-19 वैक्सीन पंजीकृत करवाई है? इसका जो राइट आंसर है वह रूस, आंसर नंबर डी। देखिए, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में रूस ने जानवरों के लिए विश्व की पहली COVID-19 वैक्सीन पंजीकृत करवाई है। यह टीकाकरण के बाद इम्यूनिटी 6 महीने तक रहती है। रूस में जानवरों के लिए वैक्सीन का विकास रोसेल खोजना दो जोर की एक यूनिट ने किया है, जिसने इस COVID-19 वैक्सीन का नाम कोवैक्स को रखा है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।